यार पता है क्या, तुम्हारे कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, और निशु पायल ने पता है क्या लिखा है, ट्राई एवरीथिंग एक्सेप्ट ड्रिंक्स इन स्टारबक्स। वैसे नॉट अ बैड आइडिया भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्टारबक्स में ना बड़े चश्के वाले खाने मिलते हैं, तो मजा तो आएगा, बट भाई साहब खर्चा कितना होगा आज। अबे यार मैंने तो बस दो ही चीजें ऑर्डर की थी, इतना सारा खाना कैसे आ गया भाई। एक छोटी सी कंफ्यूजन है मुझे, ये ड्रिंक तो मैंने ऑर्डर की नहीं थी। ओ तो ये सीन है, फॉर आर साइड एंजॉय, वैसे फ्रॉम लिखना चाहिए था, बट फ्री की ड्रिंक आई है, आई वोंट माइंड इट। बट हाँ मुझे ना इनकी ड्रिंक से थोड़ी सी कंप्लेंट है, कंप्लेंट यही है कि यार ये मीठा कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, वरना इनकी जो कॉफी बीन्स हैं वो तो यार टॉप नॉच। और अभी के लिए मैंने दो चीजें ऑर्डर की थी। लुक एट दिस, ये है मशरूम चीज बगेट। बगेट पता है ना, एक फ्रेंच ब्रेड होती है, वैसे तो बगेट इतनी लंबी लंबी भी होती है, बट ये छोटू सा है। और पता है कितना बिल आया, 740 रुपए। देखो वैसे मैंने आपको बताया था ना इनके खाने होते शशके वाले हैं, बट टू मच एक्सपेंसिव मैन। और ये दिखने में तो यार बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। तो सीन ये है, जितना भी खाना है इनके मेन्यू में आज, जहाँ पे जैसे भी मिलेगा मैं ऑलमोस्ट सब ट्राई करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। अरे मशरूम थोड़े बड़े और थोड़े ज्यादा हो गए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मशरूम और चीज का कॉम्बो ना फाड़ है भाई, यम होता है बहुत। और इसके अंदर तो शायद इन्होंने मेयो भी डाली हुई है, थोड़ा और थिनली इसे चॉप करते हैं ना मशरूम को, ये अच्छा लगता, अभी भी ठीक लग रहा है बड़े और अच्छा लगता। हाँ ब्रेड हल्की सी टाइट है, ये सीन है। अब भाई एक चीज़ के लिए मैं 350 रुपये दूंगा, तो थोड़ा तो क्रिटिसाइज करूंगा ना तरीके से, बस यही सीन है। ऑल्सो साथ में ये क्रंची मंची भी आए हैं, मतलब समझ गए ना। दीज आर नाइस, ऑफकोर्स क्रंची मंची इतने बेस्ट तो नहीं है, बट ठीक है, फ्लेवर्स बहुत अलग हैं इसके यार, इतने थोड़े से नहीं हैं, चिप्स तो ढंग से देते, वैसे तो बहुत सारे लिए हैं भाई। इसकी लास्ट बाइट, देन एक और चीज़ मंगवाई है मैंने, ये है भाई चिली चिकन इन इंग्लिश मफिन। ओ बाय द वे, आज ना लास्ट दिन है नवरात्र शुरू होने से पहले का, तो कल से नवरात्र स्टार्ट है, तो थोड़ा बहुत जो भी चिकन है आज ही खा लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली आप इस वीडियो को नवरात्रों में देख रहे होगे, तो ये चिकन वाला पार्ट स्किप कर लेना, मैंने तो भाई नवरात्रों से पहले अपना कोटा पूरा कर लिया है, अब तुम देख लो ट्राई करें से। भाई एक बात बताओ, नाम तो इसका है चिली चिकन इन इंग्लिश मफिन, मेरे को लगा पता नहीं क्या मफिन में चिकन भर के देंगे, कुछ नया आएगा, बट यार ये तो वही है जो मैंने अभी खाया, फ्रेंच बगेट, बड़े तेज है स्टारबक्स वाले। चिकन तो बहुत ड्राई है यार इनका, सही में हल्के हल्के फ्लेवर है, बट बटर बटर डालते यार थोड़ा तो। भाई देखो वैसे तो आज मुझे इनकी ड्रिंक्स के सिवाय सब कुछ करना है, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री आई है और ये बहुत सूखा है भाई, इसको अंदर डालने के लिए ना कुछ तो अपन को पीना ही पड़ेगा। बहुत चॉकलेटी है ये, बहुत मीठा भी है यार, पता नहीं यार आप लोग कैसे भी लेते हो स्टारबक्स, इतनी मीठी ड्रिंक, ये 1000 कैलोरीज होगी भाई साहब, तुम तो निकाल लेगी यार ये तो मेरी। ऑल्सो इसके साथ भी ये क्रंची मंची वाले चिप्स मिले हैं, ये स्टारबक्स के क्रंची मंची हैं, मुझे तो बिकानों वाले बेस्ट लगते हैं भाई। सच बताऊं दोनों में से ना मुझे ये मशरूम वाला अच्छा लगा, ये थोड़ा जूसी था, ये वाला तो बहुत ड्राई है भाई। अब मैं रेडी होऊंगा एंड फिर चलेंगे स्टारबक्स एंड लेट्स सी आगे का खाना है भाई, आज तो दबा के खर्चा होने वाला है। वी आर ऑलरेडी कितना 740 रुपीज डाउन, लेट्स सी कितना खुंडा होता है भाई। मैं ना अभी स्टारबक्स गया था, बट दिक्कत ये थी कि वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सामान पैक कराया है एंड 625 रुपये दे के आया हूँ। लुक एट दिस, ये है भाई इनका चिली चीज़ टोस्ट, भाई क्या कर दिया इन्होंने ये, भाई ये देख लो, तो ये हार्ट शेप ब्रेड है जिसके ऊपर चीज़ है और बहुत थोड़ी थोड़ी वेजीज़ हैं, और इसके लिए मैंने 325 रुपये पे किए हैं भाई साहब। भाई सही बता रहा हूँ, ऐसी ब्रेड्स ना मैं रोज़ करोना में अपने लिए बनाता था, देख रहा भाई नथिंग फैंसी, नॉर्मल ब्रेड के ऊपर चीज़ है, बहुत थोड़ी थोड़ी वेजीज हैं,
उसे बेक किया है, दैट्स इट। मतलब थोड़ा ओरिगैनो भी डाल देते कुछ फ्लेवर आ जाता। नहीं भाई, हम तो स्टारबक्स हैं भाई साहब। मेट्रो स्टेशन में ना ये 10-10 रुपए में बिकती है, सही बता रहा हूँ, वो भी इससे बेटर होती है। और ये देखना, चीज़ को अच्छे से स्प्रेड भी नहीं किया हुआ, ब्रेड भी मुझे कच्ची लग रही है। 325 रुपये तो बिल्कुल वर्थ नहीं है यार इसकी, रिग्रेट हो रहा है मुझे सच्ची। खैर, लुक एट दिस, ये है भाई काजू नान खटाई और इसके ऊपर मोतियां भाई, नाइस। ये तो बहुत सॉफ्ट है। खैर, नान खटाई तो यार सॉफ्ट ही होती है। मैं आपको बताऊं, ये नान खटाई ना मेरे घर पे किलो किलो में आती है, घर वाले ना चाय इसके साथ पीते हैं सही में। बट भाई ये वाली नान खटाई ना कुछ ज़्यादा ही मीठी है, पता नहीं उन्होंने उसमें क्या डाला है, काफ़ी मीठा और मिल्की कर दिया इसको। आई थिंक इसके ऊपर उन्होंने जो वाइट चॉकलेट डाली है ना इसकी वजह से। और पता है क्या, ये नान खटाई एक पीस 250 रुपये की है भाई। 250 रुपये में तो 2-3 किलो आ जाए, सही बता रहा हूँ। देखो भाई, हो गया मेरा, आई एम डन फॉर नाउ, थोड़ी देर के लिए 2 टाइम्स और फिर चलते हैं स्टारबक्स एंड लेट्स सी अब हमारे लिए जगह है या नहीं वहाँ। खैर, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली मील को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं इस बढ़िया सी कैश विनिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। जुपी एक स्किल बेस्ड गेम है जिसपे आप अपने स्किल्स के थ्रू 1 रुपए लगा के लाखों रुपए जीत सकते हो। जैसे मैं यहाँ जुपी में लूडो खेल रहा हूँ और इतनी इजीली मैंने 20,000 रुपए जीत लिए हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इंस्टेंटली अमाउंट मैं किसी भी UPI ऐप में विड्रॉ कर सकता हूँ। इसके अलावा जुपी में 5-10 मिनट के छोटे छोटे गेम्स हैं जैसे कि स्नेक्स एंड लैडर, और इसे आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी अर्न कर सकते हो। जुपी पूरी तरह से एक सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा रियल यूजर्स हैं। इसमें आपका GST और TDS तो कटेगा बट वो कैश बैक के थ्रू आपको 100% मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में डाल दिया है जिससे कि आपको 10 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा। जाओ खेलो और मजे करो, एंड मैं चला अब स्टारबक्स। ₹700 का बिल फिर से बन चुका है और खाना मेरे सामने है। एक बार दिखाऊं मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। ये है मसाला परेडो पफ, चिली पनीर सैंडविच एंड खुबानी बार, मतलब ये आलू वाली पैटी है। बस डिफरेंस ये है, नॉर्मल बेकरी पे आलू पैटी मिलती है 15 रुपए की, और यहाँ मैंने पे किए हैं इसके लिए 170 रुपीज़। और ये सौगी भी है और ये छोटी भी है, मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। पैटी तो यार फ्रेश और फ्लेवी अच्छी लगती है, इसका फ्लेवर ही बड़ा ऑकवर्ड है, बहुत बेकार है भाई। काजू डाले हुए इन्होंने इसके अंदर, दबागे कुछ हार्ड आ रहा है मेरे मुंह में। कच्चा कुछ और ट्राई करता हूँ। और पता है क्या, अभी अभी मुझे इसमें से किशमिश का फ्लेवर भी आया, एंड आई हेट किशमिश इन माय पैडी, सही बता रहा हूँ यार, किशमिश है ना पूरा मज़ा ख़राब कर दिया सही में। ये है भाई इनका चिली पनीर सैंडविच, एक नॉर्मल सैंडविच पनीर वाला कितने का आता है, 65-75, ये है 265 का, क्योंकि ये स्टारबक्स का है इसलिए। ये थोड़ा ठीक है। देखो भाई, ये मुझे फ्रेश तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बट हाँ थोड़ा फ्लेवरफुल है, माइल्डली फ्लेवर्ड है, बट इट्स गुड। अब केचप दी है तो थोड़ी थोड़ी डाल भी लेते हैं। अरे यार, इसके एजेस बहुत ज़्यादा हार्ड है, पता नहीं मुझे लग रहा है माइक्रोवेव में थोड़ा ज़्यादा देर तक उन्होंने कर दिया इन्हें तभी। भाई आई स्टिल कांट बिलीव मैंने इस मील के लिए 700 रुपये पे किए हैं, 150 रुपये में आ जाता है सब। खैर, मेरे पास ना स्वीट डिश है अभी, एंड दिस इज कॉल्ड खुबानी बार। खुबानी पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एप्रिकॉट को खुबानी बोलते हैं और ये इसकी मिठाई है। नॉट बैड भाई, ऐसा लग रहा है एक बेक्ड बिस्किट के ऊपर खूब सारी जली लगा के दिया, ये सीन है। मुझे याद है मैंने हैदराबाद में खुबानी का मीठा खाया था, वो बहुत बॉम था, ये सोचो है भाई। देखो सैंडविच बढ़िया था, ये पफ बहुत बेकार था, और ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया भाई। अभी के लिए हम डन, 2 टाइम्स थोड़ी देर के लिए कुछ पैक कराते हैं एंड फिर खाएंगे। Few moments later. भाई साहब, इस वाले मील का प्राइस पता है कितना था, 641 रुपीज, और जरा 2 ही आइटम आए हैं। लुक एट दिस, ये है सारडाउ सिराचा चिकन सैंडविच भाई। इसका सीन पता है क्या है, सारडाउ ना एक ब्रेड होती है, अब वो एग्जैक्टली सारडाउ उसको क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर चिकन को सिराचा
सॉस में टॉस करके फिर एक ओपन सैंडविच बनाया और बस यही है भाई स्टारबक्स के शश के। इसके लिए मतलब एक तो ये है और एक स्वीट डिश भी है, एक बार इसको खा ले फिर उसको ट्राई करते हैं। भाई साहब 300 रुपये का है, शायद उससे भी ज़्यादा का, आज तो लुट गए। अबे मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मैं घर पे बना लेता। एक चीज़ तो है सिराचा सॉस ना बड़ी माइल्ड यूज़ किया इन्होंने तो इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रहा, नॉट बैड वैसे तो। ऊपर ना इन्होंने ढेर सारे सेसमे सीड्स भी स्प्रिंकल किए हुए हैं, सही है यार ये। बट जैसे इसका प्राइस देखता हूँ ना फिर दुख होता है मुझे। बस भाई बहुत सारा खाना खा लिया है और अभी बहुत सारा खाना खाना भी है। ओहो जैसे ही मैंने इस डब्बे को खोला ना सिनेमन का क्या पंच आया, और इसको कहते हैं पम्पकिन स्पाइस्ड पेस्ट्री। साइड में से ऐसा लग रहा है चूहे ने खा ली, बट उन्होंने हमें बता दिया था कि थोड़ी सी पेस्ट्री ख़राब है और हमारे पास और है नहीं, तो हमने कहा ठीक है भाई दे दो आप हमें। भाई साहब लग रही है ना बढ़िया पेस्ट्री, मतलब बढ़िया तो है रेट को छोड़ के। नाइस एंड सॉफ्ट, आई मीन ये ना एक नॉर्मल चॉकलेट पेस्ट्री है, मतलब मैं आपको बताता हूँ ब्रेड है इसके अंदर, पम्पकिन है, पम्पकिन का फ्लेवर आ रहा है मुझे और ऊपर वो मोटी सी चॉकलेट की रेयर है, और फिर ना इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा दालचीनी पाउडर डाला हुआ है, मतलब इंटरेस्टिंग फ्लेवर सही में। ये पेस्ट्री तो आपको भी ट्राई करनी चाहिए, काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है यार इसका, वेरी यूनिक, मैंने ऐसी पेस्ट्री पहले कभी ट्राई नहीं की। बोल हो गया अब ना थोड़ी देर के लिए टू टाइम्स, फिर कुछ नया खाते हैं स्टारबक्स से, ठीक है। लो भाई फिर स्टारबक्स से डिनर इज फाइनली हेयर, और इस पे ना एक बड़ी फनी चीज लिखी है, ये देखना, एंजॉय योर कॉफी। भाई कॉफी मैंने ऑर्डर की है, खैर तो दो चीजें मैंने ऑर्डर की है, एक सेवरी है और एक है स्वीट। ये है भाई पिंडी छोले पॉकेट्स, मतलब कि ये पैटी है जिसके अंदर छोले भरे हुए हैं, और साथ में पता है मैंने क्या ऑर्डर किया है भाई, एक छोटी सी कुकी ऑर्डर की है, एंड दोनों का प्राइस है 699 रुपीज। भाई जो मैं आज लुटा हूं ना, देखो भाई आज पूरे दिन में मेरा कितना खर्चा हुआ है, चलो छोड़ो यार मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओ, मैंने सारे मीन्स के साथ आपको प्राइजेस बताए हैं, तो ये सीन है। एंड यार ये सौगी हो गई है भाई, अरे यार भाई छोले कुछ ज़्यादा ही हार्ड है और थोड़े थोड़े खट्टे भी लग रहे हैं, भाई से कौन खा रहा है। साथ में ना ये लोग ये लकड़ी का नाइफ भी देते हैं, क्या करूँ इसका गला काटूँ अपना। थोड़ा ये सी केचप इस पर डालते हैं, अब करते हैं ट्राई। सही बता रहा हूँ जो मेरी लोकेलिटी में जो बेकार से बेकार बेकरी भी है ना उसकी भी आलू पैटी इससे बेटर होगी सही में, इवन जो मेट्रो पे पैटीज मिलती है ना इससे लाखों गुना बेटर है, सही बता रहा हूँ। बस भूख के चक्कर में से खा रहा हूँ वरना नहीं खाता मैं, और मुझे फीलिंग आ रही है इसको खा के ना पक्का मेरा पेट खराब होने वाला है। बढ़िया स्टारबक्स निकलेगा कल देख लेना। ओले ये है भाई डबल चोको चिप कुकी, भाई साहब चॉकलेट के पसीने निकल रहे हैं इसमें से, सही में यार इन्फ्यूज्ड है चॉकलेट से, ओए होए होए ये लग रहा है मुझे बढ़िया। दबा के इसके अंदर बटर डाला हुआ है, ये चेक करो इतना सारा बटर है मेरे हाथ में, बट भाई गिल्टी प्लेजर है बस भाई बहुत है। चलो लास्ट बाइट, अब आप लोग ना मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ अगर कोई आपका स्टारबक्स का फेवरेट फूड आइटम है तो वो क्या है, ठीक है। मतलब भाई अमीर लोग थोड़ी ना मेरी वीडियोस देखते होंगे है ना, स्टारबक्स तो भाई मैं सिर्फ कंटेंट बनाने जाता हूँ, बस मेरा यही काम है, मैं कतई ना जाऊँ कभी स्टारबक्स, बट भाई देख लो ये सब खाने मिलते हैं स्टारबक्स में, एंड आई रियली होप आपको मजा आया होगा, भाई लुटा हूँ आज तो मैं सीरियसली। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।